जैसे कि फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे, एक ये मैंने पल्ला बना रखा हुआ, ये वाला खिड़की का पल्ला। और पहले तो मैंने कुछ इस डिज़ाइन में बना हुआ था, ये देखिए इस प्रकार का डिज़ाइन में बना हुआ था। अब मैंने इसमें ये वाला डिज़ाइन भी लगा दिया हूँ, बीच में बीट वगैरह लगा रखा है। देखिए डिज़ाइन किस प्रकार का लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग पहले देख लीजिए। और चलिए इसका साइज़ भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख पा रहे होंगे इसका साइज़ की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल ये बाहर से बाहर 48 इंच 4 फुट है, और इधर चौड़ाई की बात करूँ तो बाहर से बाहर हमारा ये 15-16 इंच की है। ये देख पा रहे होंगे इसको मैंने डिज़ाइन को किस प्रकार से बनाया हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मैं दिखाने की प्रयास करूंगा। वीडियो में आप लोग पूरे बने रहिए। ये बीट वगैरह मैंने किस प्रकार से लगाया हूँ, इसको तो मैंने लगा दिया हूँ, लगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ कॉर्नर डिज़ाइन भी दे रखा है, सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है ये देखिए। चलिए मैं इसको किस प्रकार से बनाया हूँ, चलिए इस फ्रेम को मैं बना के आप लोगों को दिखाने की प्रयास करूँगा। डिज़ाइन निकालने के लिए फ्रेंड्स पहले तो हमें खिड़की तैयार कर लेनी है। इस प्रकार से देख लीजिए, मैंने ये गोल वाला डिज़ाइन का ये इस डिज़ाइन का मैंने खिड़की, आप लोगों को वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर जाके देख सकते हैं, आप लोग नहीं देखा है तो। इस प्रकार से डिज़ाइन बना लीजिए, अपना खिड़की बना लीजिए जिस डिज़ाइन में भी आपको बनाना है। ये भी सेम साइज में है फ्रेंड्स, ये देखिए 15-16 इंची और इधर बाहर से बाहर ये 4 फुट है। तो इसका अगर यदि आप लोगों को इसमें बीट किस प्रकार से लगानी चाहिए, निशान वगैरह कैसे देने चाहिए, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। चलिए वीडियो को आप लोगों को देखते रहिए वीडियो को फ्रेंड्स। ये देखिए इसको सबसे पहले तो क्या करना है, हमने रैपिड वगैरह दोनों तरफ मैंने गिलास के लिए रैपिड मार दिया हूँ। देखिए गिलास लगाने के लिए इस साइड में रैपिड मार दिया हूँ मैंने। अब डिज़ाइन इस साइज से निकालना है। अब यहाँ बीच में लगेगा एक, यहाँ लगाऊंगा, देखिए सेम डिज़ाइन रहेगा, यही वाला डिज़ाइन बनेगा। मैंने इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने निशान पहले ही लगा दिया हूँ। ये देखिए एक तो मैंने ये यहाँ 3.5 इंची में निशान लगा दिया हूँ, देखिए ये, और इधर से भी 3.5 इंची है। ये यहाँ भी मैंने सेम ये 3.5 इंची में लगा दिया हूँ, यहाँ पर लगेगा। और इधर की तरफ इस एक निशान ये लगाया हूँ, देखिए ये यहाँ से हमारा ये 10.5 इंची मिल जाएगा। देखिए इसकी साइज आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए चलिए इस साइज ये यहाँ लगा दिया हूँ निशानी, ये लगा रखा है ये सेम यहाँ पर और यहाँ पर। चलिए अब इसको किस प्रकार से कटिंग करनी चाहिए, और इसके लिए मैंने बीट तैयार कर रखा हूँ। जो बीट लगेंगे ये वाले बीट लगेंगे, ये देख पा रहे होंगे इस बीट को मैंने रंधा मार दिया हूँ। इस बीट की साइज़ बताऊँ तो ये देखिए 1.5 इंची, और इसकी लंबाई तो अभी ये लंबा है बीट, तो लंबाई में इसको कटिंग कर दूँगा साइज अनुसार। और इस सब बीट मतलब 1.5 इंची में मैंने तैयार कर रखा हूँ। ये देखिए सारे बीट ही 1.5 इंची है। और इस इन बीटों की मोटाई की बात करो तो मोटाई हमारा किस प्रकार से निकालनी चाहिए, ये देखिए ये 7 सूता में है मोटाई, अभी फिलहाल 1 इंची में सूत कम है। इसका मोटाई निकालने का तरीका है बीट का, जो हमारा ये खिड़की बन गया है, ये जो हमारा ये रैपिड का, ये रैपिड लगाने के बाद ये हिस्सा जो रह गया, इस हिस्सा को हमने नाप के ये देखिए इस चीज़ को नाप के ये वाला बीट तैयार कर रखा मैंने। ये अभी लगभग यहाँ सेम आ जाएगा इस प्रकार से, ये देखिए तो ये अभी यहाँ पर इस प्रकार से लग जाएगा। चलिए इसको मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। खांचे को कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसको पेंसिल से यहाँ पर निशान लगा देता हूँ मैं। लगभग 3 सूता छोड़ के मैंने निशान लगा दिया हूँ इसको, और सब में लगा दूंगा इसमें निशान।
सो फाइनली फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे ये सब मैं लगा दिया हूँ खांचा, ये खांचा काट दिया हूँ, ये खांचा को आधा ही काटना है। ये देखिए मैंने निशान लगाया था जो पेन से आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आधा खांचा कटा हुआ है सब में, यहाँ भी कटा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ किस साइज़ में खांचा कटा हुआ, इस खांचे की साइज़ बता रहा हूँ आपको। ये देखिए रैपिड से रैपिड की बात करूँ तो ये 4 इंची में है इधर से, और इधर से भी ये 4 इंची सेम रहेगा, और ये रहेगा यहाँ से देखिए ऊपर से ये रहेगा हमारा 9 इंची 3 सूता में, और इधर 11 इंची में इसका भी सेम रहेगा 9 इंची 3 सूता बाय 11 इंची, और इसकी ऊपर से रहेगा हमारा ये देखिए 5.5 इंची 5.5 इंची बाय 7 इंची, और ये भी सेम है 4 इंची, और इधर से भी 4 इंची है। सो इसको तो मैंने पूरा खांचा काट दिया हूँ, चलिए अब इसको किस प्रकार से निशान लगा के कटिंग करनी चाहिए थोड़ा सा आप लोगों को पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है फ्रेंड्स, सो वीडियो को आप लोग पूरा देखने की प्रयास कीजिए। अब इसको यहाँ खांचे पे निशान लगा देना है इसको। तो इस प्रकार से फंसा लीजिए इसको, अब इसको निशान लगा लीजिए पूरे में। ये कटिंग हो जाएगा, अभी इसको निकाल देंगे। सो फाइनली दोनों का हो गया फ्रेंड्स, चलिए अब इसको इस वाले को लगाता हूँ, इस ये तो यहाँ हो गया।
सो फाइनली फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे पूरा फिटिंग हो गया, ये देखिए इधर की तरफ। अब इसमें फेविकॉल लगा के पूरा कील से मार दूंगा, यहाँ बीच में कील नहीं लगेगा, इधर साइड साइड में जो एक इंच पिन कील ही रहता है 17 नंबर का, वो वाला लगा देंगे इसमें, 17 नंबर की कील लग जाएगा 1 इंच। ये देखिए फ्रंट की साइड से कुछ इस प्रकार से दिख गया है। इसमें गेप देखेंगे तो आप देखिए सब बराबर में रहेगा, ये देखिए 3.5 इंची इधर से और यहाँ से देखिए 3.5 इंची इधर से भी आपका सेम रहेगा 3.5 इंची में। ये देखिए ये भी सेम है, ये देखिए देखिए। अब चलिए थोड़ा सा इसको फेविकॉल वगैरह लगा के किस प्रकार से कील वगैरह मारनी चाहिए और इसमें बीच में अलग चीज़ लगेगा वो भी पता चल जाएगा। चलिए इसमें गजर लगाना नहीं है, कील लगाना नहीं है, चलिए तो फाइनली फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे पूरा ये तैयार हो गया। ये देखिए पूरा बीट वगैरह लग गया, पूरा शाम भी हो गया, अंधेरा सा हो गया। सो देख पा रहे होंगे अब इसमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से रूटर मशीन में ये वाला इस वाला कॉर्नर जो डिजाइन वाला बीट रहता है 1.5 इंच का, ये इस वाले बीट से इसमें इस प्रकार से कॉर्नर डिजाइन मार देंगे, ये इस प्रकार से देखिए देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पर इस प्रकार से लग जाएगा सारे में, तो फाइनल फ्रेंड्स शाम हो ही गया, अंधेरा सा हो गया पूरा और जितना हो सकता है मैंने आप लोगों को दिखाने की प्रयास किया हूँ और कुछ कमी हो गई तो वीडियो में आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ कुछ ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद।